कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक होने के पहले एक मेडिसिन थी, क्या है पूरी स्टोरी चलिए जानते हैं। साल 1865 सिविल वॉर के टाइम पे जॉन स्टीथ पेम्बर्टन एक फार्मासिस्ट थे, वो इंजर्ड हो जाते हैं। पेन ज्यादा होने के कारण डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए मॉर्फिन जैसे ड्रग्स यूज करते हैं। ये ट्रीटमेंट के बाद जॉन मॉर्फिन ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। मॉर्फिन ड्रग एडिक्शन को खत्म करने के लिए जॉन अपने लिए हर्बल रेमेडी ढूंढना चालू करते हैं। काफी रिसर्च के बाद जॉन खुद की एक ड्रिंक बनाते हैं जिसमें कोका लीव्स, रेड वाइन, कोला नट्स जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये ड्रिंक का नाम था पेम्बर्टन फ्रेंच वाइन कोका। ड्रग एडिक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक जैसी बीमारी में जॉन के द्वारा बनाई हुई ये ड्रिंक काफी इफेक्टिव थी। उसके बाद जॉन ने दूसरे जरूरतमंद लोगों को ये ड्रिंक बेच के बिजनेस करना चालू कर दिया था। उसके बाद साल 1885 में यूएसए के एटलांटा में अल्कोहल बैन कर दिया जाता है, जिससे जॉन को अपनी ड्रिंक का फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। जॉन ने अपने फॉर्मूला में रेड वाइन को निकाल के सिंथेटिक कैफीन, शुगर एंड साइडर गैसे का यूज करते हैं और जो नया ड्रिंक बनता है वो होता है हमारा कोका कोला, जो आजकल हम पीते हैं। तो ऐसे कोका कोला एक मेडिसिन में से एक सॉफ्ट ड्रिंक बनी। फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब QE Blogs।